छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। एक्सिस बैंक डकैती मामले में 24 घंटे के भीतर रायगढ़ पुलिस को मिली अभूतपूर्व सफलता। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पुलिस की पीठ थपथपाई। जाने कैसे पकड़ में आया आरोपी। रायगढ़ एक्सिस बैंक में हुई डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को 24 घंटे के भीतर अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी। रायगढ़ पुलिस टीम ने मामले में शत प्रतिशत बरामदगी करते हुए शेरघाटी गैंग बिहार के 5 डकैतों को कैश, गोल्ड, हथियार एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक, क्रेटा वाहन के साथ हिरासत में लिया। 19 सितंबर की सुबह रायगढ़ जिले के टिमरापुर रोड स्थित एक्सिस बैंक में हथियारबंद आरोपी द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही रायगढ़ रेंज DIG राम गोपाल गर्ग, SSP रायगढ़ सदानंद कुमार व जिले के अन्य पुलिस अधिकारी गण वारदात स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया गया। तत्काल SSP सदानंद कुमार द्वारा जिले में नाकेबंदी लगवाई गई और सीमावर्ती जिले में भी जानकारी साझा कर नाकेबंदी और आरोपियों की पतासाजी के पॉइंट दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं IG बिलासपुर अजय यादव तथा DIG राम गोपाल गर्ग द्वारा कामना संभालते हुए अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया गया एवं IG अजय यादव द्वारा अन्य जिलों से काबिल अधिकारियों की टीम बुलाई गई। SSP सदानंद कुमार के नेतृत्व में सर्चिंग एवं नाकाबंदी के लिए पृथक पृथक टीमें बनाई गई। नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय को संपूर्ण जिले में नाकेबंदी एवं होटल लॉज में बाहर से आए हुए व्यक्तियों के डाटाबेस जांच का कार्य दिया गया। SDOP दीपक मिश्रा द्वारा साइबर टावर टंप टेक्निकल एनालिसिस ह्यूमन एंटिटी संकलन का कार्य सौंपा गया। IGP अजय यादव के निर्देश पर रेंज से एडिशनल SP कोरबा अभिषेक वर्मा, DI अभिनव कांत सिंह, राकेश मिश्रा, SI प्रभाकर तिवारी, सागर पाठक, SSI हेमंत आदित्य, कांस्टेबल डेमन ओग्रे, साइबर सेल कोरबा ने भी तत्काल रायगढ़ पुलिस के मिशन को ज्वाइन किया। सभी को अलग अलग कार्य सौंपते हुए अधिकारियों द्वारा टीम को ब्रीफ किया गया। दूसरी ओर जिले के लॉज, ढाबा, टोल नाके की सघन जांच, पूर्व में लूट डकैती में शामिल आरोपियों की जांच, पतासाजी में अलग अलग टीमें लगी हुई थी। का फिगर था जो डकैतों ने डकैती डाल के लिया था और 2917 ग्राम सोने के आभूषण थे जो कि देख रहे हैं आप 78 पाउच में वहां पर गिरवी रखे जाने के उद्देश्य से, जो गोल्ड लोन होते हैं उसके उद्देश्य से रखे गए थे। इसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में बैंक द्वारा लगभग 1.43 करोड़ बताई गई थी। तो टोटल 5,62,00,000 के आसपास का जो रकम की डकैती डाली थी और CCTV फुटेज में 7 लोग दिख रहे थे और उस जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ये एक तरह से मैं करूँगा सिर्फ जिला पुलिस नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस का समन्वित प्रयास है। इसमें न सिर्फ बिलासपुर रेंज से विभिन्न जिलों से बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य और जिलों से साइबर के जो एक्सपर्ट्स लड़के हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ क्राइम में काम किए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस को पहले सॉल्व किए हैं, उन सभी की टीम बनाई गई, उनके बारे में पता करके उन सभी को इससे जोड़ा गया और उनको लाया गया, उन सभी को काम पे लगाया गया। उसके साथ साथ नाकेबंदी के लिए जो हमारे सरहदी ज़िले हैं उनको और स्पेशली बलरामपुर हो गया और अंबिकापुर का जो इलाका है जशपुर है, उसके बाद जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स के जितने भी ज़िले हैं उनके साथ DIG ने और SSP रायगढ़ ने दोनों ने प्रयास किया। मैंने खुद IG स्तर के अधिकारियों से बात कर ली और पूरी पुलिस एक्टिवेट हुई और उस एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने इसमें बड़ा ही समन्वित तरीके से पूरी टीम ने काम किया। करीब 10-12 प्रकार के हम लोगों ने टीम बनाई थी और उनको सबको कहीं पे DSP कहीं पे इंस्पेक्टर्स, पूरी टीम लगा करके एक साइबर एनालिसिस कर रही थी, कोई टीम टोल जितने भी टोल नाके हैं उनके डाटा ले रही थी, कोई टीम फास्टैग का डाटा ले रही थी और कोई टीम ह्यूमन इंट पे काम कर रही थी। उसके साथ साथ जो रायगढ़ के जितने भी इलाके हैं जहां पे संदिग्ध रुक सकते हैं या पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए उन सभी क्षेत्रों की भी लोकल पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सघनता के साथ चेकिंग की गई। उस दौरान जब हम लोगों को थोड़ा सा एक लीड मिला है, उस लीड को हम लोगों ने काम किया। इसमें ये पाया गया था कि जो आरोपी है ये बाइक के साथ देखे गए कि बाइक जो CCTV फुटेज एनालिसिस किया गया कि बाइक में बैग्स ले जा करके कहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो एनालिसिस टीम है उसने और आसपास उसका दायरा बढ़ाया
और तकनीकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा दायरा बढ़ाया और फुटेज एनालिसिस किया तो कुछ संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला। उस गाड़ी को एनालिसिस किया तो गाड़ी का क्रेटा कार एक संदिग्ध हम लोगों को नज़र में आई, तो उस क्रेटा कार का मूवमेंट पूरी तरह से हम लोगों ने फॉलोअप किया। उसके साथ साथ पैरेलल जो ह्यूमन इंट है उस पर भी काम हो रहा था, तो उसके जब मूवमेंट को पाया गया तो ये पाया गया कि ये गाड़ी 11 सितंबर को यहाँ से रायगढ़ से उड़ीसा गई है और 18 सितंबर को उड़ीसा से रायगढ़ में भी प्रवेश की है। इन सभी चीज़ों को देखा गया। उसके साथ साथ गाड़ी वाहन जो है उसका देखा गया, उसके पूर्व में बाइक को लावारिस हालत में छोड़ा गया था, उस बाइक को चेक किया तो चोरी की बाइक पाई गई। तो इसमें सस्पेक्ट ये आया कि गया का कोई बिहार का शेरघाटी गैंग, उसकी जानकारी हुई। उसको फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड खंगारा तो उसमें से कुछ आरोपी ऐसे नज़र आए जो कोरबा में कुछ समय पहले 15 या 16 में डकैती हुई थी, उसमें भी शामिल होने के अंदेशा लगे। उसके बाद जो पुलिस के साइबर और क्राइम ब्रांच के लड़के हैं, इन लोगों ने भी कुछ लोगों को सस्पेक्ट को मिलान किया, आइडेंटिफाई किया, और जो अपना क्राइम का डेटा है उस डेटा से काफ़ी कुछ मिलान किया गया और कुछ पैटर्न का एनालिसिस किया गया, तो उसके आधार पे लगा कि ये गाड़ी का मूवमेंट हो सकता है। तो उसके साथ साथ लगी हुई अन्य गाड़ियों की तलाश की गई और इसमें ऐसा लगा कि 2-3 गाड़ियों में भाग सकते हैं तथा ट्रक, कंटेनर, बस, इस टाइप की चीज़ों से सामान को भी पार करा सकते हैं। तो उसके आधार पर जब नाकेबंदी की गई और जो अंबिकापुर की ओर में चोटिया में बैरियर है उसका डेटा एनालिसिस किया गया, तब उसमें समझ में आया कि गाड़ी के मूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को अलर्ट किया गया और यहाँ की टीम को भी कुछ अंबिकापुर से लड़के जो हैं पुलिस के इन्वॉल्व किए गए इसमें, और एक टीम बना करके उनको डिप्लॉय किया गया उस एरिया में नाकेबंदी और सर्चिंग करने के लिए। तो उस आधार पर रात में हमारी टीम ने वहाँ पर इंटरसेप्ट किया है और इसमें 5 डकैत जो हैं ये पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया है और विधिवत इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और पूरी यहाँ से जो टीम है रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ से गई टीम, वहाँ पर बलरामपुर SP लालूमेद का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा, वो मौके पे वहाँ रहे और उनके नेतृत्व में वहाँ पर धरपकड़ की कार्रवाई हुई। तो उसमें हम लोगों ने इसको पकड़ा और इसमें एक राकेश कुमार गुप्ता जो कि क्रेटा का चालक है, शेरघाटी का है बिहार का, उपेंद्र सिंह ये ट्रक चालक था 50 साल, ये भी बिहार का है। उसके साथ साथ तीसरा एक जो मुख्य इस गैंग में जो मास्टरमाइंड है वो 5 में से 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी साजिश रची है, निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास, ये 32 साल का है, ये थाना परैया गया का है और ये बांका मगध में शेरघाटी में चंदन बांका गिरिडीह और चकाई जमुई डिस्ट्रिक्ट इन जगहों पर बैंक डकैती पहले भी कर चुका है। इसको बिहार पुलिस और बिहार की STF भी लगभग 2-3 साल से खोज रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कैच मिला है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस को, रायगढ़ पुलिस को। उसके साथ साथ अमरजीत ये क्रेटा गाड़ी का मालिक है और ये दोनों मिल करके किए हैं, और एक आरोपी है राहुल कुमार सिंह, ये खलासी है ट्रक का। उसके साथ साथ शेष 5 आरोपी फरार हैं, 7 दिख रहे थे, 3 और बाहर थे, नीलेश रविदास हैं, सुनील पासवान हैं, ये दोनों रांची के हैं, और अमित रविदास ये बिघा गया का है, पवन कुमार बेलागंज गया बिहार का है, विष्णु पासवान ये टेकारी गया बिहार का है। तो ये इनको पकड़ने के लिए 2-3 टीमें ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी गई हैं और इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी। और अभी जो कि इतनी बड़ी डकैती है इसको देखते हुए और इनके इन्वॉल्वमेंट के देखते हुए मास्टरमाइंड्स का कम से कम हम लोग रिमांड लेने की कोशिश करेंगे सो दैट डिटेल में पूछताछ हो सके। और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है और इनके पास से ये टोटल जो रकम गई थी, पूरी की पूरी रकम और लूट का पूरा सामान, उसके साथ साथ देसी मेड राइफल, एक कट्टा, 8 कारतूस, क्रेटा वाहन, ट्रक वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी जब्ती की गई हैं, उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी और मौके पर जा कर के जब्ती बनाने के कारण अभी लेकर के टीम लौटी है, तो बाकी चीज़ें अभी की जा रही हैं। जी अभी घोषणा नहीं, जो पुलिस रेगुलेशन के अनुसार मेरे पास जो पावर है वो तो मैंने कर दिया था कल, तो IG की तरफ से हो गया है, लेकिन ये उससे बड़ा केस है तो इसके लिए प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं। मेरी पुलिस मुख्यालय से DGP सर से अनुमति मिल गई है, पुलिस मुख्यालय में यथोचित पुरस्कार, जिसका आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा,
अच्छा पुरस्कार अपनी टीम को दिलवाएंगे। सीएम साहब ने घोषणा की है पुरस्कार, अच्छा पुरस्कार ही दिलाएंगे। सीएम साहब ने अगर बोल दिया है तो अच्छा ही पुरस्कार पूरी किया। जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, जो फरार है, क्या बैंक रॉबरी उन्होंने पहले की है, एक्सपर्ट से क्या है? अभी तो बताया मैंने, वो मास्टरमाइंड 5 रॉबरी पहले डाल चुका है। सशस्त्र जो नाम, जिसका नाम बोला है मैंने, निशांत उर्फ राजेश दास, ये वांटेड क्रिमिनल है। चाकू से हमला किया गया था, अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ लगा थी। मेरे ख्याल से विवेचना कैसे करनी है उस पर आप चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा काम है। उसको अभी हम लोग देखेंगे। सी, मैंने बोला ना कि लापरवाही कहीं ना कहीं, देखिए जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, मैं जिसको बोलूंगा SBI वगैरह हो गया, सशस्त्र गार्ड उपलब्ध रहते हैं और पुलिस की चेकिंग भी चलती रहती है। हमें, हम अपना भी अवलोकन करेंगे कि हमने अगर चेकिंग रूटीन बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, हम उसको भी देखेंगे। उसके साथ साथ बैंकों को भी हमें अलर्ट करना पड़ेगा कि जहां पे इतनी मात्रा में कैश या ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहां पे कम से कम सुरक्षा पे थोड़ा और खर्च करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली थोड़ी सी लापरवाही दिखती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे जो गार्ड भी समय से नहीं पहुँचा, जो लोग आ रहे हैं उसके बाद गार्ड आ रहा है। सो देर आर सम लेकुनास विच हैज़ टू बी यू नो टेकन केयर ऑफ। ठीक है, वो काफ़ी पहले का है तो घटनाओं के बारे में तो नहीं बोलेंगे, दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है, बट यस, इसमें से कुछ आरोपी कोरबा वाले में शामिल है, हम उसका एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इन्होंने खरसिया मुख्य मार्ग को चुना और वहाँ से फिर कोरबा, और कोरबा के रास्ते अंबिकापुर वाले रास्ते को लिया, क्योंकि इन्हें गया के तरफ जाना था, तो इसलिए ये रामानुजगंज के रास्ते, एक ही रास्ता है जो जाता है, तो नेशनल हाईवे को उन्होंने चुना। केवल ये खरसिया से निकल के कोरबा तक जाने के लिए वो हाटी वाले रास्ते को लिया था। सर, कितने आरोपी कहाँ कहाँ से पकड़े गए? सारे वही, सभी जो है वो बलरामपुर से पकड़े गए, पकड़ा गया है। तो लोकेशन थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, बट जनरल एरिया वही है, बॉर्डर के जस्ट पहले।